हेलो गाइस, कैसे आप सभी? अरे ये क्या, हमारे पास टेस्ट बाइक का कॉल आ रहा है, जरा उनसे पूछते क्या हुआ। थैंक्स भाई, जो आपने मेरी गाड़ी को पुलिस वाले से बचाया था और उसको टाइम रहते डिस्ट्रॉय कर दिया था, क्योंकि अगर पुलिस वाले को मेरे बारे में पता चल जाता तो मेरे बिजनेस पे बहुत प्रॉब्लम हो जाती। अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो तो मेरा काम है आपकी हेल्प करना। बट हाँ, आपने मेरे से कहा था ना एक पेंट हाउस गिफ्ट करोगे, और कल आपको पता है बहुत सारे पुलिस वाले मेरे पीछे पड़ गए थे, तो वो पेंट हाउस का क्या हुआ? अरे भाई, मैं उस पेंट हाउस के बारे में नहीं बोला हूँ। मैंने आपके लिए सबसे बेस्ट वाला पेंट हाउस बाय कर दिया है। अब आप भी डायमंड कैसीनो के एक वीआईपी मेंबर हो, और हाँ साथ ही में एक मेंबर्स पार्टी है, अब उसको जरूर अटेंड करना। और मैंने आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट भी छोड़ा हुआ है, तो उसको जरूर चेक कर लेना पेंट हाउस के गैरेज में। ओके टाइसन भाई, मैं जरूर जाके आपका वो गिफ्ट चेक करूंगा, अपना पेंट हाउस चेक करूंगा। थैंक यू। ओके, तो मैंने आपको पिकअप करने के लिए एक लिमोजिन भेजी, आप उस लिमोजिन में बैठ के जल्द से जल्द आ जाइए। अरे ये क्या गाइस, टाइसन मैंने तो एक लिमोजिन भेजी, चलो जल्द से जल्द सरफेस पे जाके उस लिमोजिन में बैठ के कैसीनो जाते हैं। तो गाइस, मैं टाइसन भाई के बताई हुई लोकेशन पे आ चुका हूँ, और मुझे पिकअप करने के लिए उनकी बताई हुई लिमोजिन भी आ चुकी है। तो ये मुझे पिकअप करके डायमंड कैसीनो रिजॉर्ट पर ड्रॉप करेगी, जहाँ पे टाइसन भाई ने मेरा नया पेंट हाउस बाय किया है। वैसे गाइस, अगर आप इस चैनल पे नहीं हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर करें, इससे मेरी बहुत हेल्प होगी। तो चलिए अब हम रिजॉर्ट पे चलते हैं, ये लिमोजिन वाला मुझे लेके जा रहा है अब। चलो गाइस, मैं अपने लिमोजिन वाले ड्राइवर का नाम भी पूछ लेता हूँ, इनका नाम क्या है। तो भैया आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम सेंटी भाई है। सेंटी भाई, ये कैसा नाम हुआ? जी हाँ सर, टाइसन भाई ने मुझे सेंटी भाई नाम दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग पब्लिकली अपना रियल नेम यूज नहीं कर सकते हैं। ओके सेंटी भाई, वैसे डायमंड कैसीनो में जो वो पेंट हाउस जो टाइसन भाई ने बाय करा है मेरे लिए, उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी? मैं उसको जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। जी सर, उसकी कॉस्ट $10 million अराउंड आए थे, और साथ ही हमने एक्स्ट्रा इंटीरियर भी कराया, तो वो और भी एक्सपेंसिव हो सकता है। ये बस मेरे पास एक आइडिया है सर, ये उससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है, क्योंकि जो डायमंड कैसीनो रिसॉर्ट है वो वीआईपी एरिया है। अरे ये क्या सेंटी भाई, आपने तो गाड़ी ठोक दी है, अब टाइसन भाई आपसे बहुत गुस्सा होएंगे। अरे सर कोई दिक्कत नहीं है, टाइसन भाई ने कहा अगर कोई प्रॉब्लम करे तो उसको ठोक दिया करो। अरे सर टेंशन नहीं लेना, डर है जिम करे। ओके सेंटी भाई, आप मुझे डायमंड कैसीनो पे प्लीज सेफली पहुंचा दीजिए, मुझे ठीक ठाक अपने पेंट हाउस को देखने जाना है, ये नहीं कि मैं हॉस्पिटल में मिलूं। अरे सर आप टेंशन मत लीजिए, मेरे पास 10 साल से कार चलाने का एक्सपीरियंस है, मैं आपको बिल्कुल सेफली पहुंचा दूंगा। और ये कार वैसे भी आर्मर कार है, इसके अंदर आर्मर लगा हुआ है जिससे टूट नहीं सकती, और साथ में बुलेट प्रूफ ग्लासेस भी है, तो आप बिल्कुल सेफ है हमारे साथ। आप चिंता मत करिए, हम टाइसन भाई के अंडर काम करते हैं, टाइसन भाई ने आपकी पूरी सुरक्षा लेने की जिम्मेदारी दी है। वाह, ये बुलेट प्रूफ गाड़ी है और इसमें आर्मर भी है, ये गाड़ी बहुत ही सेफ है गाइस। चलो हम जल्दी से कैसीनो पे पहुंच जाते हैं और अपने नए पेंट हाउस देखते हैं। तो गाइस, हम लॉस सैंटोस पहुंच चुके हैं, और डायमंड कैसीनो हमारे बिल्कुल पास में है। आप जैसे कि देख सकते हैं लॉस सैंटोस नाइट में कितना ब्यूटीफुल दिखता है, और हमारी गाड़ी भी कितनी सुंदर लग रही है। चलो हम जल्दी से डायमंड कैसीनो पहुंच जाते हैं, और सेंटी भाई हमारे को बिल्कुल सेफली लाया है, तो कोई टेंशन नहीं है। तो गाइस, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, हम डायमंड कैसीनो के बिल्कुल पास आ चुके हैं, और ये रात में कितना ब्यूटीफुल लगता है ना गाइस, यहाँ पे बहुत ही वीआईपी लोग आते हैं, और यहाँ पे हम भी एक वीआईपी बन चुके हैं। तो सेंटी भाई हमको डायमंड कैसीनो को ड्रॉप करने वाले हैं, और हम देखते हैं कि अंदर जाके वहाँ पे क्या माहौल है, और हमारा पेंट हाउस कैसा दिखता है। तो गाइस, अब हम डायमंड कैसीनो को अंदर जा रहे हैं। हाँ ये देखिए, डायमंड कैसीनो का लोगो भी है यहाँ पे गाइस, यहाँ पे बहुत सारे लोग भी खड़े हैं पता नहीं क्यों। चलो थैंक यू सेंटी भाई, जो आपने मुझे यहाँ पे ड्रॉप करा। कोई दिक्कत नहीं है जी, अगर आपको अगली बार कोई सर्विस चाहिए हो लिमोजिन वाली तो पैसे ना भाई को बता देना, मैं आपके लिए आ जाऊंगा। तो गाइस, अब हम अपने पेंट हाउस के अंदर जा रहे हैं, चलो जाके देखते हैं कि हमारा पेंट हाउस कैसा दिखता है अंदर जाने के बाद। ये देखिए गाइस, लोडिंग स्क्रीन पे हमारे डायमंड कैसीनो कितना प्यारा दिख रहा है। तो गाइस, अब हम अपने पेंट हाउस के अंदर आ चुके हैं, ये देखिए गाइस, ये इंटीरियर में कितना अच्छा दिखता है। चलो मैं एक बार टेबल को कॉल करके देखता हूँ, क्या पता अब हम कायो पेरी को हाइस कर पाए। चलो मैंने टेबल, हाँ अब मैं अपने टेबल को कॉल कर रहा हूँ, ये फोन क्यों उठा रहा है, उठा लिया। अरे क्या यार बेबी, ये अवेलेबल नहीं है, चलो कोई बात नहीं, चलो पेंट हाउस का मैं टूर देता हूँ गाइस में। और साथ में मेरे से टाइसन भाई ने कहा था कि मुझे पेंट हाउस में जाके रिसेप्शनिस्ट को कॉल करना है, एक पार्टी अरेंज की है उन्होंने, तो मुझे उसके अंदर जाना है, तो देखते हैं गाइस।
ये देखिए गाइस यहां पे टीवी भी है और यहां पे कोई शो चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है इसके अंदर। आप लोगों को समझ में आ रहा है तो मुझे जरूर बताना। मुझे टाइसन भाई ने मुझे ये बता दिया कि सीधे सीधे जाने हमें और साइड में मुझे एक बार्बर दिखेगा तो वहाँ जाके मैं अपना हेयर कट चेंज करा सकता हूँ। तो ये रहा बार्बर। चलो गाइस अपना हेयर कट चेंज कराते हैं। गाइस मैंने अपना हेयर कट चेंज करा लिया, अब चलो जल्दी से हम पार्टी में जाते हैं। तो गाइस सामने वो रूम है जहाँ पे पार्टी हो रही है, हम इस रूम में आ चुके हैं। देखिए गाइस यहाँ पे कितने सारे लोग हैं। देखिए गाइस सामने एक बार टेंडर है, चलो इससे अल्कोहल की बोतल लेके उसको उड़ाते हैं, शैंपेन की बोतल लेके। तो गाइस मैंने सबसे महंगे वाली अल्कोहल की बोतल ली है, चलो इसको हम उड़ा के देखते हैं। चलो गाइस अब मैंने बोतल ले ली है, अब इसको उड़ा के देखते हैं। अरे ये खुल क्यों नहीं रही है गाइस, चलो इसको जोर से हिलाते हैं। ये अब क्यों नहीं खुल रही है गाइस, ये इसकी सील टाइट है आई थिंक। हाँ ये खुल चुकी है, चलो इसको उड़ाते हैं लोगों के ऊपर। ये चलो इसको थोड़ी बहुत पी लेता हूँ मैं। हाँ चलो। अरे ये क्या, अरे मुझे तो चढ़ चुकी है गाइस। हाय गाइस यहाँ पे तो कोई मुझे भाग भी नहीं देता है। हेलो कोई देख नहीं रहा मेरी तरफ गाइस, ऐसे लोगों को ना सारे लोग पसंद नहीं होंगे। कोई नहीं चलो गाइस मैं अपने पेंट हाउस की तरफ वापस जाता हूँ अब। वैसे टाइसन भाई ने मेरे को बताया था यहाँ पे टेबल है जहाँ पे नींबू का पानी होगा, अगर मैं उस पानी को पीऊंगा तो मेरा सारा नशा उतर जाएगा। चलो गाइस तो पी लेते हैं यार। हाँ चलो चलो जल्दी जल्दी, यहाँ तो मैं ढंग से कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। चलो गाइस अब मैं अपने लिए नींबू पानी पोर कर रहा हूँ, ये डाल दिया मैंने अपने ग्लास के अंदर। हाय हाय गाइस ये तो उठा नहीं रहा है, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो गाइस मैं नींबू पानी पी लिया, मेरा सारा नशा उतर चुका है। ये गाइस मैं आपको पेंट हाउस का टूर दिखाता हूँ अपने का, पर अभी रात बहुत हो रही है ना, चलो मैं जाके पहले सो जाता हूँ अपने कमरे के अंदर। ये मेरा कमरा है, मैं थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ यहाँ पे। तो गाइस अब सुबह हो चुकी है, चलो मैं जल्दी से उठ के आपको अपने पेंट हाउस का टूर दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे इसका इंटीरियर कितना अच्छा दिख रहा है ना गाइस। ओके गाइस तो साइड में वो जो आपको दिख रहा है वो एक टॉयलेट है, चलो मैं उसके अंदर जाता हूँ पहले। देखिए गाइस ये ऑटोमेटिकली अपना आप खुलता है। देखिए गाइस इसके अंदर क्या बढ़िया फिनिशिंग है, और ये मेरा बाथरूम एरिया जहाँ पे मैं शावर लूँगा। सामने एक और एरिया है जहाँ पे हम शावर ले सकते हैं। ओके गाइस इसके आगे हमारे एक जो साइड में टेबल है, ये हमारा वार्डरोब है। कैसे मैंने बताया था कि सामने हम कपड़े चेंज कर सकते हैं, और उन्होंने मेरे लिए एक आउटफिट रखा हुआ है, चलो देखते हैं गाइस कैसा आउटफिट है हमारा। वाओ गाइस टाइसन भाई ने तो हमारे लिए सफेद सूट रखा हुआ है, ये कितना अच्छा लग रहा है ना मेरे ऊपर। चलो मैं आपको और अपना कमरा दिखा देता हूँ। ये सीधी जाके साइड में मेरा एक और एरिया है जहाँ पे मैं अपने आपको देख सकता हूँ जो मैंने कपड़े पहने हुए हैं। इसके सामने मेरा एक और रूम है जहाँ पे मेरे गेस्ट रह सकते हैं, और ये पास में मेरे डाइनिंग एरिया है। देखिए गाइस यहाँ पे मेरे गेस्ट रह सकते हैं, कितना आलीशान है, और यहाँ पे मेरे गेस्ट का वो देखो सर शावर एरिया। चलो एक बार शावर ले लेते हैं गाइस। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए नहाना चाहिए। अरे ये हाथों को कैसे ला रहा है गाइस, देखिए पता नहीं कैसे नहा रहा है गाइस, ये तो बिगर साबुन के नहा रहा है गाइस देखो। मैं नहा चुका हूँ गाइस, अब मैं जल्दी से रेडी होकर बाहर आ जाता हूँ। नहाने के बाद मेरे अंदर से जो भी कल मैंने दारू पी थी उसकी महक जा चुकी है। तो चलिए ये सब जल्दी से मैं अपने पेंट हाउस की तरफ, पेंट हाउस के एग्जिट की तरफ जाता हूँ। देखिए गाइस यहाँ पे हम लोग बैठ सकते हैं, ये अच्छा एरिया है।
अबे यार मैं जल्दी से अपने एलिवेटर के पास जाता हूँ, मुझसे टैसर भाई ने कहा था कि वहाँ पे मेरे एक सरप्राइज गिफ्ट वेट कर रहा है, चलो देखते हैं टैसर भाई ने मेरे लिए क्या सरप्राइज गिफ्ट रखा होता। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ गाइस, ये सामने मेरे खुद की अपनी टेबल है जहाँ पे मैं कार्ड्स खेल सकता हूँ अपने दोस्तों के साथ। ये मेरा ऑफिस एरिया है, ये पता नहीं गेट क्यों नहीं खुल रहा है, अरे बाहर आ गया है, रुक जाओ। देखिए गाइस साइड में कितनी अच्छी स्क्रीन है। नहीं तो गाइस जी मेरा मैकबुक है जहाँ पे मैं अपने सिक्योर सर्विस के मिशन को एक्सेप्ट कर सकता हूँ। चलो गाइस अब जल्दी से मैं आपको अपना थिएटर दिखा देता हूँ। इस पेंट हाउस के अंदर अपना खुद का एक पर्सनल थिएटर भी है गाइस। देखिए साइड में किचन है, चलो जल्दी से मैं अपने थिएटर में जाता हूँ गाइस। देखिए यहाँ पे मैं मेरे दोस्त आराम से कोई भी मूवीज देख सकते हैं। तो देखिए गाइस ये वो हमारा पार्टी एरिया जहाँ पे पार्टी चल रही थी, यहाँ पे अभी तक पार्टी चल रही है मेरे ख्याल से। चलो मैंने थोड़ा बहुत गेम खेला था गाइस अभी। अब जल्दी से मैं एलिवेटर की तरफ जाता हूँ और मैं अपना वो सरप्राइज गिफ्ट देखता हूँ जो टाइसन भाई ने मुझे दिया है। चलो गाइस मैं एलिवेटर की तरफ आ चुका हूँ, मुझे पेंट हाउस के गैरेज में जाना है। और मैं आ चुका हूँ, ये क्या सामने तक लैम्बोर्गिनी है, वाओ टाइसन भाई थैंक यू जो आपने मुझे लैम्बोर्गिनी दी। वाओ गाइस मुझे पेंट हाउस में मिल गया, मुझे एक नई गाड़ी भी मिल गई। चलो इसको जल्दी से जाकर मॉडिफाई करा देता हूँ मैं। गाइस नेक्स्ट वीडियो में मैं इस गाड़ी को मॉडिफाई करूंगा और आपको एक नई जगह दिखाऊंगा, तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करना। थैंक यू।